मनपा के उपद्रव शोध पथक ने शहर के सभी 10 जोन में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। 5 जून से 18 अगस्त तक मास्क नहीं लगाने वाले 5,436 नागरिकों पर कार्रवाई की गई है। मास्क नहीं लगाने की और बाजार में और इवन तिथियों के नियमों के उल्लंघन के मामलों में कुल 7,582 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 66,40,200 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। क्राइम ब्रांच के एमडी सेल ने कुख्यात अपराधी संतोष अम्बेकर के भांजे सनी वर्मा को एमडी की बड़ी खेप के साथ पकड़ा। सनी और मुंबई के उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर 5,46,000 रुपयों की 182.26 ग्राम एमडी बरामद की गई। शहर में अब तक ये सबसे बड़ी एमडी की बरामदगी है। महापौर संदीप जोशी ने कहा कि गणेशोत्सव का आयोजन घरों में ही करें, सार्वजनिक स्थानों पर न जाए। जहां तक हो सके गणेश जी की छोटी प्रतिमा स्थापित कर उसका विसर्जन घरों में ही करें, ताकि कोविड का संक्रमण रोका जा सके। मनपा से ट्रेड लाइसेंस लेने की अनिवार्यता, व्यापारी और उनके कर्मचारियों के लिए कोविड टेस्ट कराने की अनिवार्यता के साथ जो ऑड इवन डे पर दुकानें शुरू करने के पैटर्न जैसे मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे के आदेशों से तंग आ चुके शहर के व्यापारियों ने बुधवार को नागपुर बंद आंदोलन किया। कोराडी रोड स्थित ओमनगर में बीते दिन रानी परिवार की मौत के सनसनीखेज मामले की परतें अब खुल रही है। घटनास्थल से मिले पत्र में मृतक सुषमा रानी की एक लाइन सारी कहानी को जैसे बयां कर रही है। इस पत्र में कई लाइनों के बीच मैं तुम्हें तड़पते हुए नहीं देख सकती भी लिखा हुआ था। इस बार कोविड-19 के कारण ऐतिहासिक मार्गवत उत्सव पारंपरिक और सादगी से मनाया गया। जुलूस और धूमधाम वाले समारोह पर पाबंदी लगाई गई थी, इसलिए पीली मार्बल का विसर्जन चुनिंदा पदाधिकारी और पुलिस उपस्थिति में किया गया। सिलेवाड़ा में बुधवार की शाम 4 बजे वार्ड नंबर 4 में पैसों के विवाद को लेकर 2 आरोपियों ने एक युवक की हत्या कर दी है और एक को घायल कर दिया। आरोपियों में सिलेवाड़ा निवासी सिद्धनाथ यादव उम्र 24 वर्ष और उसका भाई अमरनाथ यादव उम्र 22 शामिल है। शहर के 16 निजी अस्पतालों में कोविड के संक्रमितों का इलाज हो सकेगा। संबंधित अस्पतालों में 1876 बेड उपलब्ध है। इस संदर्भ में मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने आदेश जारी किया है। इन अस्पतालों में उपलब्ध बेड में 256 आईसीयू बेड, 997 ऑक्सीजन युक्त बेड, 623 बिना ऑक्सीजन के बेड है। सभी अस्पतालों में कुल 90 वेंटिलेटर है। सिविल लाइन स्थित महानगर पालिका के मुख्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों के संक्रमित होने का सिलसिला जारी है। बुधवार को 15 कर्मचारी व अधिकारियों के पॉजिटिव आने की खबर है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के कुछ अधिकारियों से 5, जन्म मृत्यु विभाग के 3, स्वास्थ्य विभाग के 5, शेष 2 पॉजिटिव दूसरे विभागों के बताए गए। कोविड संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। नागपुर जिले में बुधवार को सर्वाधिक 1,096 पॉजिटिव मिले और 30 की मौत हो गई है। एक ही दिन में पॉजिटिव आए लोगों का अब तक का ये सर्वाधिक आंकड़ा है। संक्रमितों में 907 शहर के और 190 ग्रामीण के हैं, जबकि मृतकों में शहर के 23 और ग्रामीण के 3 और जिले के बाहर के 4 है।